हेलो एवरीवन, नमस्कार। केआरएस एवेन्यू में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमा शर्मा और आज हम बना रहे हैं समोसे, जिसके लिए लिए हैं मैंने 1 किलो आलू। इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और पानी में डाल दिया है। अब मैं इनको कुकर में डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने कुकर में डाल दिया और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं उबालने के लिए। कभी भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखती हूँ, चाहे अरवी हो चाहे आलू हो, मैं यही बहुत थोड़े से पानी में उबालती हूँ। और इधर लिया है मैंने धनिया, एक प्याज, एक टमाटर, ये थोड़ा धनिया लिया है मैंने, और अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसको काट बारीक बारीक काट के सिर्फ इसमें 2 मसाले डालूँगी हरी मिर्च के साथ में, सिर्फ नमक और जीरा और थोड़ा सा अमचूर। अमचूर अगर आप नहीं डालना चाहो तो आप नींबू भी डाल सकते हो उसके अंदर, लेकिन आज मैं अमचूर डालूँगी इसमें। और ये लिए है मैंने 8 हरी मिर्च, और इन सब को अब मैं मिक्सर में डालकर पीस लूँगी। इसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार, ये अपना जितना भी आप नमक खाते हो तेज करना, और 1 चम्मच डालूंगी मैं अमचूर। आप चाहें तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं और चाहें अमचूर भी डाल सकते हैं। आज मैं अमचूर डालूंगी इसके अंदर, नींबू नहीं डालूंगी। और अब इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, हमारी चटनी हो गई है तैयार, बिल्कुल तैयार हो गई है ये। और हम और इधर लिया है मैंने 1.5 बाउल मैदा का, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। ये छन गई है हमारी मैदा, और इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, वो भी अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितना आप नमक तेज लाइट खाते हो, क्योंकि इसके जो समोसे का कवर बनेगा उसके अंदर भी। और इसमें डाल दिया है मैंने मोइन तेल डाल लिया है, और इसके अंदर अब डालूंगी मैं 2 चम्मच गेहूं का आटा। ये है मैदा और 2 चम्मच गेहूं का आटा डालकर हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा, और अब थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को हम गूंदेंगे। बहुत नरम भी नहीं करेंगे इसको और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, एक नॉर्मल से आटा इसका हम लगा के डो तैयार कर लेंगे। और उसको हम 15 से ये गूंथने के बाद 15 से 20 मिनट तक इसको रख देंगे। अब इसको थोड़ी देर में ऐसे ही छोड़ दूंगी, बाद में इसको लोच लगाएंगे। ये आलू हमने छील लिए हैं और अभी ये गर्म है, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए रखूंगी फ्रिज में, क्योंकि जो भी हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें ठंडे आलू चाहिए। और इधर मैंने भून लिया है ये 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ, जिसको मैं अब हल्का भूनने के बाद थोड़ा बारीक पीस लूंगी। और ये आलू हो गए हैं हमारे ठंडे, इनको हम फोड़ लेंगे। और ये भी है 4 मिर्ची छोटी छोटी, और ये कुछ मटर के दाने जो मैं इसमें डाल दूंगी, और 1 चुटकी डालूंगी कसूरी मेथी इसके अंदर, बिल्कुल 1 चुटकी डाली है कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च हम डालेंगे कम क्योंकि बच्चों को खाना है, हमने चटनी में तेज कर दी है, ये कसूरी है मिर्च, कश्मीरी मिर्च है ये। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें अमचूर, 1 से भी थोड़ा सा कम ही डालेंगे अमचूर, और नमक थोड़ा सा और डालेंगे इसके अंदर। जीरा, धनिया पाउडर 100 पीसा था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे हम, और इनको मिला लेंगे। अब ये आलू फोड़ लेंगे। मैं इनकी सब्जी नहीं बनाऊंगी, छोंकूंगी नहीं इनको, इनको हम ऐसे ही भरेंगे, क्योंकि तो जब भी हम तलेंगे उनको, समोसों को, तो हमारे अपने आप तले जाएंगे ये।
मैंने इसमें तेल डाल के एक चम्मच हल्दी डाल के और मैंने इसको मिला के हम निकाल। इधर ही हमारा मसाला देखिए कुछ इस तरह का बना है, और ये हमारा आटा और मैदा जो गूंद के रखा था, अब इसमें थोड़ी सी लोच लगा लेंगे। कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल, लेके हमने इसे बेल लिया है। अब बीच में से इसको कट कर लेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं बेला है मैंने, ठीक ठीक बेला है। और इसके सब किनारों पे लगा देंगे पानी, इसके किनारों पे पानी लगा देंगे। इसको ऐसे पकड़कर हम ये मसाला जो हमने बनाया है इसके अंदर भर देंगे। इतना मसाला भरेंगे कि जो आराम से, और इधर भी पानी लगा देंगे ये, और हम इनको मिला देंगे। सब हम ऐसे ही बनाकर रख लेंगे। सबको ऐसे ही बेल के और ऐसे ही बना के मैं रख लूंगी इधर। समोसे मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं, और अब मैं करूंगी तेल को चेक, तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। हम इसको मीडियम आंच पे तलेंगे। हमारा तेल हो गया है गर्म, और अब ये हम सिर्फ दो दो समोसे तलेंगे। ये हमारे समोसे बन के हो गए हैं तैयार, देखना कुछ ऐसे हैं, बड़े खस्ता सी आवाज़ आ रही है इनमें से। और ये है हरी चटनी धनिए की। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। हमारे समोसे और चटनी तैयार हैं, और इसके साथ सॉस लेंगे, जीरा मन लेना किसी को जीरा मन लेंगे, जिसको जो पसंद होगा वैसे खाएंगे। थैंक यू सो मच।